Hello students, so you all are welcome in this session of SS where we were discussing the chapter number 14, that was India, Location, Geological Structure and Physiography 2. Until now we have seen the introduction part, the North Mountainous Region, the Great Northern Plain, and today we are going to discuss from the topic number 3, which forms the landforms in India, that is the Peninsular Plateau. So let me give you the introduction of the plateau. Plateau kaise kaha jata hai, plateau kahan dekhne ke liye milta hai, and plateau actually jiski height kitni hoti hai. So first of all, plateau jo hai wo aise mountains hote hain jinki average height hoti hai 600 to 900 meters. In our previous session we have seen ki jo northern Himalayan region hai wahan pe 8000 above meters ke माउंटेन होते हैं और रॉक्स होते हैं, पर प्लेट्यू उन्हें कहा जाता है जिनकी एवरेज हाइट 600 से 900 मीटर्स तक होती है. तो लेट अस सी टुडेज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू. दिस इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, ये सबसे पुराना रीजन है इंडिया का. दिस रीजन अपीयर्स एज एन इन्वर्टेड ट्राइंगल, तो ये रीजन दिखने में इन्वर्टेड ट्राइंगल की तरह लगता है. इट्स एवरेज हाइट इज अबाउट 600 टू 900 मीटर्स, इसकी एवरेज हाइट 600 से 900 मीटर्स तक की है. इट्स नॉर्दर्न पार्ट स्लोप्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विच इज एविडेंट फ्रॉम द फ्लो ऑफ चंबल सन एंड दामोदर रिवर्स. तो इसका जो हमने रिवर्स का डिस्कशन किया, इसका नॉर्दर्न पार्ट ज़्यादा स्लोपी है यानी कि ढलान वाला है टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. जो इसका रीज़न है, ये थ्री रिवर्स जो कि चंबल सन एंड दामोदर रिवर्स वहाँ से फ्लो होती है. द सदर्न पार्ट स्लोप्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, इसका जो सदर्न पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो स्लोपी है साउथ ईस्ट की तरफ, एंड मोस्ट ऑफ इट्स एरिया इज इन साउथ, इसका ज़्यादातर एरिया साउथ में ही है. हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सदर्न प्लेट्यू, इसीलिए इसको सदर्न प्लेट्यू भी कहा जाता है. एज इट इज़ सराउंडेड बाय सी ऑन इट्स थ्री साइड्स इट इज़ कॉल्ड अ पेनिनसुलर प्लेट्यू, और जबकि ये प्लेट्यू है वो तीनों तरफ सी से सराउंडेड है, यानी इसके तीनों तरफ सी है, पानी ही पानी है, तो इसी की वजह से इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है. पेनिनसुलर प्लेट्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मालवा प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. द फर्स्ट वन इज़ मालवा प्लेट्यू. लेट अस सी व्हाट इज मालवा प्लेट्यू. अरवली रेंज इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू. इसका जो अरावली रेंज है जो कि फेमस है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में सिचुएटेड है मालवा प्लेट्यू के. अरावली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस इन द वर्ल्ड. अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस है वर्ल्ड के अंदर. इट इज़ फोल्डेड माउंटेन्स, इसे फोल्डेड माउंटेन्स कहा जाता है. माउंट आबू इज़ द फेमस हिल स्टेशन ऑन दिस रेंज. माउंट आबू जो कि एक फेमस हिल स्टेशन है इस रेंज में. इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड प्लेजेंट. गुरु शिखर इज इट्स हाइएस्ट पीक एंड इट इज़ 1722 मीटर्स हाई. गुरु शिखर जो कि एक सबसे बड़ी चट्टान है, चोटी है, वो 1722 मीटर्स की हाइट पे है. ये ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट, बहुत ही खूबसूरत जगह है देखने के लिए, टूरिस्ट स्पॉट के लिए और पिकनिक के लिए. टू द साउथ ऑफ दिस रीजन द रिवर्स चंबल एंड बेटवा इमर्जिंग फ्रॉम विंध्याचल, और इसकी साउथ रीजन में चंबल और बेटवा रिवर्स इमर्ज होती है विंध्याचल में से. इट कैन बी नोन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो दैट द रीजन स्लोप्स नॉर्थवर्ड्स, और रिवर के फ्लो को देखकर ये समझ में आता है कि ये जो रीजन है वो स्लोपी है नॉर्थवर्ड्स की तरफ. द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सेंट्रल अपलैंड इज नोन एज बुंदेलखंड. इसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है उसे सेंट्रल में यानी कि इंडिया के मिडल में इसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है. बिसाइड्स दिस रिवर लूनी एंड बनास ऑल्सो ओरिजिनेट इन द अरावली रेंज, और इसी की वजह से बनास और लूनी रिवर भी अरावली रेंज में लाई करती है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. दिस रिवर वैनिश इन द रन ऑफ कच्छ, और ये रिवर्स रन ऑफ कच्छ में जाके वैनिश हो जाती है यानी कि खत्म हो जाती है. एंड साबरमती एंड माही रिवर्स
मीट द गल्फ ऑफ खम्बात, वहाँ पे जाके वैनिश होने के बाद में साबरमती और माही रिवर गल्फ ऑफ खम्बात में जाके मिलती है। फ्रॉम द फ्लो ऑफ दीज रिवर्स इट कैन बी एसर्टेन दैट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू स्लोप्स टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, और इन रिवर्स के फ्लो को देखकर ये पता चलता है कि ये वेस्टर्न पार्ट जो है मालवा प्लेट्यू का वो स्लोपी है, यानी कि ढलान वाला है टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट ऑफ द इंडिया। अब साउथ वेस्ट के अंदर वो स्टेट्स इंक्लूड करेंगे, अवर स्टेट्स वुड बी आंध्र प्रदेश, इट वुड बी तमिलनाडु और एक्सेट्रा, कर्नाटका जैसे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये स्लोपी होगा। राजमहल हिल्स एंड शिलोंग प्लेट्यू आर अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू विच ऑल्सो इंक्लूड्स रांची प्लेट्यू। राजमहल हिल्स और शिलोंग प्लेट्यू जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के पार्ट है वो इंक्लूड करते हैं रांची प्लेट्यू ऑल्सो। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ सतपुड़ा, महादेव एंड मैकाल रेंजेस विच आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द मालवा प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो कि सतपुड़ा के साउथ में, महादेव और मैकाल रेंजेस के साउथ में लोकेटेड है, वो मालवा प्लेट्यू के साउथर्न डायरेक्शन में लोकेटेड है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू आर कंपोज ऑफ द लावा डिपोजिट, और इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है प्लेट्यू का वो लावा से भरे हुए हैं। ऑन द वेस्टर्न साइड्स इट्स बॉर्डर इज डिमार्केटेड बाय वेस्टर्न घाट्स विच रन्स नॉर्थ साउथ अलॉन्ग द अरेबियन सी कोस्ट। वेस्टर्न साइड पे इसकी बॉर्डर डिमार्केट की गई है, यानी कि मार्क की हुई है वेस्टर्न घाट से, जो रन करते हैं नॉर्थ से लेकर साउथ डायरेक्शन तक अलॉन्ग द अरेबियन सी कोस्ट। अरेबियन सी कोस्ट के पास में ये प्लेट्यूज देखने के लिए मिलते हैं। इट हैज़ सेवरल लोकल नेम्स, इसके कुछ लोकल नेम्स है। इट इज़ नोन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इस डेक्कन प्लेट्यू को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में, एस नीलगिरी एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु में नीलगिरी के नाम से, एस अन्नामलाई एंड कार्डमम रेंजेस अलोंग द बॉर्डर ऑफ केरल एंड तमिलनाडु। अन्नामलाई और कार्डमम रेंजेस बोला जाता है इसे केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर्स पे। द सदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज मोर लॉफ्टी, जो सदर्न पोर्शन है वेस्टर्न घाट्स का वो ज़्यादा लॉफ्टी है साउथ की तरफ। जनरली द एवरेज हाइट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू रेंजेस बिटवीन 900 टू 1000 मीटर्स। एज वी हैव डिस्कस्ड, इसे स्टार्ट करने से पहले, प्लेट्यू उसे कहा जाता है जिसकी एवरेज हाइट 900 से 1000 मीटर्स तक की होती है, तो वैसे ही डेक्कन प्लेट्यू की एवरेज हाइट भी 900 से 1000 मीटर्स है, बट एट अ फ्यू प्लेसेस इट एक्सीड्स दैट हाइट, कुछ प्लेसेस पर ये इन हाइट से बड़ा हो जाता है। फ्यू आइसोलेटेड हिल्स हैविंग मोर देन 900 मीटर्स ऑफ हाइट फ्रॉम द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ दिस प्लेट्यू, तो कुछ फैले हुए हिल्स ऐसे भी हैं जिनकी हाइट्स मोर देन 900 मीटर्स है ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ जो लोकेटेड है इंडिया के। दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स, इन्हें ईस्टर्न घाट से जाना जाता है। इट हैज़ अ जनरल स्लोप टूवर्ड साउथ ईस्ट विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर्स, और ये जनरली इस तरह से स्लोपी है साउथ ईस्ट की तरफ, जो हमें जनरली देखने के लिए मिलता है रिवर्स के फ्लो को देखकर, एक्सेप्ट रिवर्स नर्मदा एंड तापी विच फ्लो वेस्टवर्ड्स। और रिवर्स की अगर हम बात करें तो नर्मदा और तापी वेस्टवर्ड्स की तरफ फ्लो करती है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड मीट द बे ऑफ बंगाल, इसकी ज़्यादातर रिवर्स जो है डेक्कन प्लेट्यू की वो ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल को जाके मिलती है। तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू का टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज द कोस्टल प्लेन्स, प्लेन्स अलॉन्ग द सी कोस्ट, ऐसे प्लेन्स जो कि सी कोस्ट के सिचुएटेड है। प्लेन्स जनरली उसे कहा जाता है जो बड़े खुले मैदान होते हैं, तो कोस्टल प्लेन्स भी उन्हें कहा जाएगा जो सी की आसपास में बहुत बड़े खुले मैदान होते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू सराउंडेड बाय अ नैरो बेल्ट ऑफ प्लेन्स फ्रॉम कच्छ टू ओडिशा। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो नैरो, यानी कि बहुत ही पतली बेल्ट ऑफ प्लेन्स से
जुड़ा हुआ है कच्छ से लेके ओडिशा तक, यानी कि गुजरात के कच्छ से लेके ओडिशा तक। इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिनके नेम है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द वेस्ट कोस्ट प्लेन एक्सीड्स फ्रॉम गुजरात टू केरला। इसका वेस्ट कोस्ट प्लेन जो है वो गुजरात से केरला तक एक्सीड होता है। एक्सेप्ट इन गुजरात द प्लेन इज मोस्ट नैरो। गुजरात को छोड़ के ये प्लेन बाकी जगह पे बहुत ही नैरो है। इट इज़ वेरी मच अनड्यूलेटिंग एंड इज नोन एज मालाबार कोस्ट टू द साउथ ऑफ द गोवा। ये इतना अनड्यूलेटिंग है, इतना नैरोअर है, और इसी के रीजन से इसे मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। साउथ गोवा के रीजन में वेस्ट कोस्ट रिवर्स हैव डेवलप्ड क्रीक्स एट देयर एस्टुअरीज। जो वेस्ट कोस्ट के रिवर्स हैं उनमें कुछ क्रीक बनी हुई है, यानी कि ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस हैं एट योर एस्टुअरीज। एस्टुअरीज जनरली वो एरियाज होती है जो रिवर के पास में छोटी छोटी लैंड होती है, उसे बोला जाता है। एंड मोस्ट ऑफ दीज क्रीक्स आर सबमर्ज्ड वैलीज अंडर रिवर वाटर। और ये कुछ जो क्रीक्स हैं रिवर में से निकल के जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो वैलीज में जाकर मिल जाती है और एट लास्ट वो रिवर वाटर ही बन जाती है। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ द सी शोर। और ये तभी बनती है जब सी शोर का इमर्जेंस होता है। तो जनरली गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र गोवा के अंदर हमें सी शोर देखने के लिए मिलता है। दैट्स वाई ये कोस्टल प्लेन्स अपना जो शेप है इस तरह से चेंज होता है। इट प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर फिशरी। ये फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती है फिशरीज़ के लिए। देयर आर मैनी नेचुरल पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ऐसे बहुत सारे नेचुरल पोर्ट्स हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, विच इंक्लूड मुंबई एंड मरमागांव, जिनके अंदर नेम आता है। अब जनरली पोर्ट वो जगह होती है जहाँ से शिप आती है और जाती है, तो उन्हें पोर्ट कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में उन्हें बंदरगाह कहा जाता है। तो इंडिया के अंदर जो फेमस पोर्ट्स हैं तो वो है मुंबई एंड मरमागांव। बैक वाटर्स हैव डेवलप्ड अलॉन्ग द सदर्न कोस्ट ऑफ केरला एंड दीज आर नोन एज कयाल इन लोकल लैंग्वेज। और बैक वाटर्स जनरली जो पानी पीछे जाता है वो सदर्न कोस्ट ऑफ केरला पे देखने के लिए मिलता है और इसे कयाल कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। ईस्ट कोस्ट प्लेन इज मच ब्रॉडर देन द वेस्ट कोस्ट प्लेन। ईस्ट कोस्ट प्लेन एज कम्पेयर टू द वेस्ट कोस्ट प्लेन ये ज़्यादा ब्रॉडर है। देर इज सब्सटेंशियल एल्यूवियल डिपोजिशन इन द डेल्टास ऑफ कावेरी। जनरली एल्यूवियल एक सॉइल होती है जो कि फर्टाइल सॉइल माना जाता है। तो बहुत अमाउंट में एल्यूवियल डिपोजिशन देखने के लिए मिलती है इन द डेल्टास ऑफ द कावेरी। कावेरी नदी के डेल्टा पे कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी, ये कुछ ऐसी फेमस रिवर्स हैं जिनके डेल्टास पे हमें एल्यूवियल डिपॉजिट यानी कि एल्यूवियल सॉइल देखने के लिए मिलती है। बेसिकली ये पूरा एरिया जो है वो पानी से घिरा हुआ है, तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे जो सॉइल होगी वो भी फर्टाइल सॉइल होगी। इट्स नॉर्दर्न कोस्ट इज़ नोन एज नॉर्दर्न सिकार कोस्ट एंड द तमिलनाडु कोस्ट इज़ नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। इसके नॉर्दर्न कोस्ट को नॉर्थ सिकार कोस्ट कहा जाता है और तमिलनाडु कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्कियोपोलॉजिस्ट। आर्कियोपोलॉजिस्ट वी हैव डिस्कस्ड कि ऐसे लैंड होते हैं जो कि सी से सराउंडेड होते हैं, तो जनरली उन्हें आइलैंड कहा जाता है या फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी बोला जाता है। जैसे देर आर फ्यू आर्कियोपोलॉजिस्ट इन इंडिया। अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आर मेजर आर्कियोपोलॉजिस्ट अमॉन्ग देम। ऐसे कुछ आर्कियोपोलॉजिस्ट हैं इंडिया के अंदर जिनके नेम्स हैं, दो फेमस आर्कियोपोलॉजिस्ट हैं, दीज आर अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। देयर आर मैनी स्मॉलर आइलैंड्स इन लक्षद्वीप एंड दीज आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस ऑफ केरला कोस्ट। ऐसे कुछ स्मॉलर आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में जो लोकेटेड है कुछ डिस्टेंस से, केरला से थोड़ा दूर लोकेटेड है। दीज आइलैंड्स हैव अ हॉट शू शेप। इनका जो शेप है इट इज़ ऑफ द हॉट शू शेप। सच कोरल आइलैंड्स आर कॉल्ड एटॉल्स और इन आइलैंड्स को एटॉल्स भी कहा जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। हियर द नंबर ऑफ आइलैंड्स इज ऑल्सो मोर एंड दीज आर सिचुएटेड वेरी फार फ्रॉम इंडियन कोस्ट। और जनरली इनके नंबर ऑफ आइलैंड्स कुछ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लक्षद्वीप, और ये
कुछ फार है, थोड़ा दूर है इंडियन कोस्ट से। देर आर फ्यू माउंटेन रेंजेस, सम ऑफ विच आर फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। दीस आइलैंड्स आर स्प्रेड ओवर 350 किलोमीटर एंड हैव अ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। और यहाँ पे कुछ माउंटेन की रेंजेस भी है जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनी हुई है। दीस आइलैंड्स, ये आइलैंड्स स्प्रेड है 350 किलोमीटर्स तक और इनका कुछ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। Thus there is a diversity in the physical features of the India, और इसी के रीजन से इंडिया की डाइवर्सिटी में कुछ इंडिया की फिजिकल फीचर्स में कुछ डाइवर्सिटी, यानी कि बहुत अलग अलग थिंग्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन डिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड येट ऑल रीजन्स आर इंटरकनेक्टेड। और हर एक रीजन की कोई ना कोई स्पेशलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड ऑल रीजन्स, हर एक रीजन अंदर 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 जुड़ा हुआ है। ऑल ऑफ देम हैव इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। ऑल दीज इम्पॉर्टेंट, ऑल दिस थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, जिनका एक अलग से कंट्रीब्यूशन है नेशन को बिल्टअप करने के लिए, एंड आर यूजफुल इन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एंड दीज आर ऑल्सो यूजफुल इन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑल्सो। नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ द ग्रीन्स, एंड द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ ग्रीन्स बिकॉज द सॉइल विच इज अवेलेबल एट दिस प्लेस इज वेरी फर्टाइल। सो दैट इज द रीजन, यहाँ पे सॉइल का जो डिपोजिट है वो ज़्यादा है। सदर्न प्लेट्यू इज रिच इन मैनी मिनरल रिसोर्सेज, जो सदर्न प्लेट्यू है वो ज़्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, विच हैज़ एनहांस्ड द नेशनल प्रोग्रेस, जिसने नेशनल प्रोग्रेस को ऊपर लेकर आया है। मैनी रिवर्स विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर ओरिजिनेट इन द नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन विच इज ऑल्सो नोन फॉर अ वराइटी ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। और बहुत सारी रिवर्स जिनका वॉल्यूम इतना बड़ा है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है, जो नॉर्थ माउंटेनियस रीजन्स में से निकलती है, उन्हें अलग अलग फॉरेस्ट के रिसोर्सेज से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, जिसमें से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो वो है रॉक। रॉक का जनरल मतलब ये होता है कि जो चट्टान होती है, इतनी बड़ी भी नहीं, क्योंकि बड़ी चट्टान को माउंटेन कहा जाता है, उससे जो कम होती है उसे रॉक कहा जाता है। अ कंपोजिट मैटर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स इज कॉल्ड अ रॉक। एक ऐसा कंपोजिट, यानी कि मिक्स किया हुआ एक या ज़्यादा मिनरल से, उसे रॉक कहा जाएगा। रॉक्स कैन बी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट, रॉक्स हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। दे कैन बी पोरस और नॉन पोरस, वो पोरस भी होते हैं एंड नॉन पोरस भी होते हैं, मीन्स दबाने से दब भी जाते हैं एंड कुछ नहीं भी दबते हैं। एंड कैन बी लाइट और हैवी इन वेट, कुछ रॉक्स लाइट होते हैं, कुछ हैवी वेट होते हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न उनके अंदर किस तरह का मिनरल अवेलेबल है वो डिसाइड करता है कि रॉक्स आर लाइट और हैवी। वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेसेस, कुछ अलग अलग टाइप्स के रॉक्स फॉर्म्स होते हैं ड्यू टू डिफरेंट अलग अलग प्रोसेसेस से। रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, रॉक्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है उनके फॉर्मेशन की प्रोसीजर को देख के। तो फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, सेकंड वन इज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आइए देखें इग्नियस रॉक्स की कितनी कैटेगरीज होती है। तो दिस इज इंट्रूसिव, जो कि इनर सरफेस ऑफ द अर्थ में फाउंड होते हैं, जो कूल और स्लोली क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। सेकंड वन इज द एक्सट्रूसिव रॉक, जो कि ज़्यादा कूल होते हैं और बहुत ही ठंडे माने जाते हैं। एक्सक्लूसिव के अंदर इंक्लूड करते हैं वॉल्केनिक, एंड जो इंट्रूसिव हमने देखे उसके अंदर इंक्लूड होते हैं प्लूटोनिक एंड हाइबा फिसियल रॉक। और नेक्स्ट वन रॉक इज द स्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स वो होते हैं दैट हैव लाइंस ड्यू टू केमिकल्स, उनके अंदर कुछ लाइंस होती हैं और केमिकल्स की वजह से जो लाइंस बनती है, दैट इज़ द रीज़न इनकी जो कुछ लेयर्स बनती है उन्हें स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब इसकी कैटेगरीज में हम इंक्लूड करें तो दीज आर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर भी कुछ सब कैटेगरीज है रॉक्स की, दीज आर एरिनासीसियस, एग्लिसीसियस एंड कॉन्ग्लोमरेट। एंड सेकंड वन जो कैटेगरी है इट इज़ द केमिकली फॉर्म्ड, एंड थर्ड वन कैटेगरी इज द ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के जो कुछ नेम्स है, दिस वन इज कैल्सेसियस कार्बोनीसियस, एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक, जिसकी कैटेगरीज है कॉन्टैक्ट एंड
regional. So let us see the topic. Our first one is igneous rocks. The intense heat in the interior of earth is responsible for the formation of these rocks. जो earth के अंदर बहुत ही प्रचंड गर्मी होती है उसकी वजह से ये rocks बनते हैं. The interior of the earth remains very hot due to this heat. और इसकी वजह से जो earth का interior है वो बहुत ही गर्म रहता है. And so the matter here is in semi-liquid state. और इसका जो matter है That is the reason ये semi liquid state में होता है which is called as magma. इसे magma या lava के नाम से जाना जाता है. Eventually when the magma cools down, rocks are formed. और जब ये magma cool down यानी कि ठंडा हो जाता है तो rocks बन जाते हैं. These rocks are formed due to the effect of heat. Hence these are called as igneous rocks. और ये rocks जब बनते हैं तो heat की effect से बनते हैं. That is the reason कि इसे igneous rocks या अग्निय rock भी कहा जाता है. In the formation of the crust of the earth, these rocks were formed earliest. So these are called the primary rocks. और जब rocks बनने की शुरुआत होती है earth crust के ऊपर तो ये rocks ऐसे होते हैं जो सबसे पहले बनते हैं और इसी के region से इसे primary rocks भी कहा जाता है. At many places in Rajasthan, Madhya Pradesh and Southern Peninsula in India, such rocks have formed. और ये rocks India के अंदर Rajasthan, MP और कुछ Southern Peninsula के पास में found होते हैं. Igneous rocks are most solid of all rocks. Igneous rocks सबसे solid माने जाते हैं rocks में. Granite is a well-known example of plutonic rock. Granite इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लूटोनिक रॉक का. बेसल्ट इज आल्सो दिस टाइप ऑफ रॉक. बेसल्ट मिनरल जो होता है वो भी इसी तरह का रॉक होता है. और नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. इग्नियस रॉक्स डिसइंटीग्रेट ड्यू टू कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ वाटर एंड अदर फोर्सेस. इग्नियस रॉक्स कंटिन्यूसली टूटते जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर वाटर और अदर फोर्सेस की इफेक्ट होती है. दीज आर ऑल्सो नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स. इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहा जाता है. द ब्रोकन रॉक मटेरियल इज कॉन्स्टेंटली डिपोजिटेड इन वाटर एंड दे फॉर्म लेयर्स. और इसी के रीजन से जो ब्रोकन रॉक मटेरियल होता है वो कॉन्स्टेंटली डिपोजिट होता जाता है वाटर में और ये कुछ लेयर्स बनाते हैं. Thus, rock material is deposited into different layers. और rock material deposit होता है different अलग अलग layers में. The upper layer exerts pressure over the layers of underlying rocks. Upper layer pressure बनाती है बाकी दूसरी layers के ऊपर और जो पहले layers बनी हुई होती हैं उनके नीचे अलग अलग layers बनती जाती हैं. And are lying at the bottom. और ये bottom पे यानी कि नीचे lie करती हैं. And eventually rocks are formed with different layers. और इसी के reason से धीरे धीरे करके कुछ different layers में rocks form होते हैं. These are called stratified rocks. और इसे stratified rocks माना जाता है. Its examples are gypsum, limestone and coal. इसके examples हैं gypsum, limestone and coal. Coal and gypsum are obtained from Bihar and Jharkhand states. Coal और gypsum Bihar और Jharkhand states में से obtain होता है. Now let us see our next topic. It is the metamorphic rocks. Metamorphic rocks किसे कहा जाता है? In certain peculiar conditions, the form, composition and other characteristics of rocks are totally changed. कुछ peculiar conditions में rocks के composition और other characteristics totally change होते रहते हैं. Due to the combined effect of two factors, high temperature and pressure of rock strata, the igneous and sedimentary rocks change into a totally new form. और continuous कुछ high temperature की effect, rock strata की pressure और igneous यानी कि igneous के अंदर जब आ जाती है और सेडिमेंट्री रॉक्स जब टोटली न्यू फॉर्म ले लेते हैं तो दिस न्यूली फॉर्म रॉक्स आर नोन एज द मेटामॉर्फिक रॉक्स. और इन्हीं की वजह से जो दूसरे न्यू रॉक्स फॉर्म होते हैं उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है. मार्बल एंड क्वार्टजाइट अवेलेबल इन राजस्थान आर देयर बेस्ट एग्जाम्पल्स. मार्बल और क्वार्टजाइट जो राजस्थान में अवेलेबल होता है वो बेस्ट एग्जाम्पल है. सो अप टू नाउ स्टूडेंट्स इन टूडेज सेशन वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ द रॉक्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड archaeologists. Hope you have seen the video until the last minute. So in our next session we are going to finish this chapter
that the topics remaining are mineral, soil and the types of the soil available in India. Until then, very goodbye students.